चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन मटन फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेज, साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट। एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी मूल रोड चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578। चंद्रपुर से संचालित विदर्भ के सुप्रसिद्ध डिजिटल वीडियो हिंदी न्यूज चैनल पार्थशर समाचार की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी चंद्रपुर रत्न चंद्रपुर गौरव कथा चंद्रपुर भूषण पुरस्कार का वितरण किया जाने वाला है। 9 फरवरी 2021 को शुरू हुए चंद्रपुर से शुरू इस डिजिटल वीडियो हिंदी न्यूज चैनल ने कुछ ही दिनों में विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज चैनलों में से एक होने का बहुमान प्राप्त किया है। अपनी वर्षगांठ को समाज के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए विशेष तरीके से मनाने के उद्देश्य से पहले ही वर्षगांठ यानी 9 फरवरी 2022 से चैनल की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चंद्रपुर से संबंधित लोगों को चंद्रपुर गौरव और चंद्रपुर रत्न पुरस्कार से सम्मानित करना शुरू किया गया। पहले वर्षगांठ पर करीब 25 लोगों को और दूसरी वर्षगांठ पर 30 लोगों को शैक्षणिक, क्रीड़ा, सामाजिक, व्यवसायिक, सांस्कृतिक, बालक वर्ग, फैशन, तृतीय पंथी और अन्य क्षेत्र से उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार पूर्णतः निःशुल्क होकर समिति द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ इसके लिए योग्य उम्मीदवार को चुना जाता है, जिस वजह से 2 साल में ही इस पुरस्कार की प्रसिद्धि और महत्व अपार हो गया। इस कड़ी में इस वर्ष भी अपनी तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पार्थशर समाचार की ओर से इन पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। इस वर्ष चंद्रपुर रत्न और चंद्रपुर गौरव पुरस्कार के साथ पहली बार चंद्रपुर भूषण पुरस्कार भी दिए जाने वाले हैं। चंद्रपुर से जन्म से जुड़े या किसी कार्य से जुड़े संबंधित पुरुष, महिला और बच्चे इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति हमारी वेबसाइट www.parthashar.samachar.in पर या हमारे ईमेल parthashar.samachar@gmail.com पर या फिर हमारे मोबाइल नंबर 7709032035 पर फोन या व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 30 जनवरी 2024 रखी गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश नायडू, पार्थशर समाचार का मुख्य संपादक। मुझे आप सब लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पार्थशर समाचार आने वाली 9 फरवरी 2024 को अपनी सफल तीसरी वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इन 3 वर्षों में पार्थशर समाचार न केवल चंद्रपुर में बल्कि विदर्भ में सबसे उत्तम हिंदी वीडियो डिजिटल न्यूज चैनल बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सका है। यह संभव हो सका केवल हमारे दर्शकों और हमारे हित चिंतकों के बदौलत। दोस्तों, हमने पहले वर्ष से ही यह निर्णय लिया था कि हम अपनी वर्षगांठ समाज के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए अलग तरीके से मनाएंगे। इसलिए हमने पहले वर्ष से ही चंद्रपुर रत्न और चंद्रपुर गौरव इस तरह के पुरस्कार पिछले 2 सालों में 50 से अधिक लोगों को बांटे हैं, जिस वजह से दर्शकों ने हमें और सराहा है और समाज में पार्थशर समाचार का नाम और ऊंचा हुआ है। इसी श्रृंखला में इस वर्ष भी हम लोग यह पुरस्कार देने जा रहे हैं, मगर इस बार चंद्रपुर रत्न चंद्रपुर गौरव के साथ चंद्रपुर भूषण पुरस्कार का भी हम लोग वितरण करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं चंद्रपुर से जुड़े या तो यहाँ पे जन्मे या तो यहाँ पे कार्य किए हुए लोगों से नामांकन आमंत्रित करता हूँ। 30 जनवरी इसकी अंतिम तारीख है और सबसे विशेष बात यह है कि इन पुरस्कारों के लिए किसी भी तरह का पहले या बाद में 1 रुपया भी शुल्क नहीं लिया जाता। ये केवल और केवल मेरिट पद्धति पर बनाई गई समिति द्वारा चुना जाता है। इसलिए आप अपने आप के लिए या फिर अगर आप किसी को पहचानते हैं जिन्होंने किसी भी जैसा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, क्रीड़ा या किसी अन्य क्षेत्र में
उत्कृष्ट कार्य किया हो, फिर वो महिला हो, पुरुष हो या बालक हो, तो आप अपना नामांकन हमें भेज सकते हैं। नामांकन भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 8669098703 है। उसी तरह से आप हमारी वेबसाइट www.parthasharsamachar.in पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमें parthasharsamachar@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग हमारे दर्शकों के लिए इस वर्ष से, इस महीने से मंथली लकी ड्रॉ स्कीम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके तहत हर महीने के नए सब्सक्राइबर्स के लिए हजारों के पुरस्कार लकी ड्रॉ के तहत हम लोग देने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो जिन्होंने किसी फील्ड में उत्कृष्ट कार्य किया है, तो आप उनका नामांकन जरूर भेजें और निःशुल्क यह पुरस्कार प्राप्त करके सम्मानित होए और अपने और अच्छे कार्य से समाज को और बेहतर करें। हम आप सब लोगों का इंतजार करेंगे और आने वाले कार्यक्रम के बारे में आपको सूचित करते रहेंगे। धन्यवाद। अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं, कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी। पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? बर सिद्धी, अगदी बरोबर। परसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर। ग्रामीण एथलीटों को मौका देने के लिए सरकार की ओर से हर तालुका स्तर पर खेल परिसर स्थापित किए जा रहे हैं। इस प्रकार ब्रह्मपुरी निर्वाचन क्षेत्र के संधिवाही, सावली और ब्रह्मपुरी खेल परिसरों में लंबित विकास कार्य अंततः समाप्त हो गए। विपक्षी दल के नेता और ब्रह्मपुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय वरेटीवार के अथक प्रयासों के कारण तीनों तालुका विधानसभा क्षेत्र के कुल 25 करोड़ रुपए की विकास निधि मिलने से जल्द ही विकास काम शुरू किया जाने वाला है। ब्रह्मपुरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 3 तालुका शामिल हैं, जिससे संधिवाही, सावली और ब्रह्मपुरी हैं। लेकिन खेल उपकरण और अन्य सुविधाओं की कमी के कारण खिलाड़ियों के लिए अपनी खेल प्रतिभा दिखाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी और उनकी प्रतिभाएं आगे आएं और खेल के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें, इस नेक इरादे से विपक्ष के नेता और ब्रह्मपुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय वरेटीवार ने लंबित मांग को लेकर खिलाड़ियों के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। उनके ब्रह्मपुरी निर्वाचन क्षेत्र के तीनों तालुकाओं में खेल परिसर में विकास कार्य के लिए सरकार द्वारा 25 करोड़ की निधि स्वीकृत की गई। इसमें संधिवाही स्थित खेल परिसर को विकास निधि मिली है। खेल परिसर में कुल 7 करोड़ की विकास निधि स्वीकृत की गई है, जिसमें 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक, इंडोर हॉल, लकड़ी की फर्श, बास्केटबॉल कोर्ट, सिंथेटिक टर्फ, दर्शक गैलरी की मरम्मत शामिल है। रोपिंग गेम्स, आउटडोर खेल उपकरण, सावली के खेल परिसर में होने वाले विकास कार्यों के लिए कुल 12 करोड़ की विकास निधि स्वीकृत की गई है, जिसमें बैडमिंटन हॉल, ऑफिस, जिम हॉल, 400 मीटर रनिंग, फुटबॉल मैदान, सुरक्षा दीवार, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल शामिल है। अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं, कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी। पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? बर सिद्धी, अगदी बरोबर। परसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर।